ये तीन महत्वपूर्ण राज्य जिनका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक माना जाता है, तो केरला कैसे विकसित हो गया? केरला विकसित राज्य की श्रेणी में कैसे आया? प्रजनन दर को नियंत्रित करने में अगर सर्वाधिक देश के अंदर में कमी लाया तो केरला लाया, वो कौन सा मेथड है? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व ही अगर पिछड़ापन का कारण है और यह कहा जाए क्षेत्रफल का घनत्व कि प्रजनन दर ज्यादा है इसके चलते यह काम हो रहा है, तो बिहार की एक नकारात्मक छवि पेश की जाती है। तो हमारा सवाल उनसे है कि बिहार, बंगाल और केरला तीन राज्य का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, लेकिन केरला ने प्रजनन दर को कैसे सबसे कम देश में नियंत्रित किया, सबसे अच्छे ढंग से नियंत्रित किया है और विकसित राज्य की श्रेणी में है? तो ये कुतर्क कहीं से न्याय संगत नहीं है और ये बिहार की नकारात्मक छवि इससे बनती है। दूसरा सवाल यह भी कहा जाता है कि दुनिया के अंदर विमर्श हो रहा है, इसमें एक माओवादी मॉडल है और चाइना का मॉडल है जिसकी चर्चा माननीय निखिल मंडल जी ने किया। अब वहां क्या क्या विमर्श की स्थिति है मीडिया के सारे साथियों को मालूम है। और दूसरा मॉडल है दुनिया के अंदर में बांग्लादेश का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथी हैं, तो इसलिए 50 वर्ष का आंकड़े निकाल करके आप देख लीजिए, दुनिया के अंदर में बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसने अपने प्रजनन दर को और जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया, लगातार उसमें कमी आई है। और उस मॉडल क्या था? वह मॉडल था जन जागरूकता का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, कैसे उसको हम एजुकेशनली इंप्रूव करें। और यह हम बताना चाहते हैं कि दुनिया का टॉप 10 जो देश है जहां मुस्लिम बहुल आबादी है, वो देश है कुवैत, बांग्लादेश, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया, मोरक्को और ईरान। यहां पर सर्वाधिक जनसंख्या का दर नियंत्रित हुआ है। दुनिया के 10 देश में 6 देश ऐसे हैं जहां मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म मानने वाले लोग हैं और उन लोगों ने जनसंख्या दर को नियंत्रित किया है। और एक माओवादी मॉडल है, तुगलकी फरमान चला था वहां कि अगर आप को 2 से अधिक बच्चे होंगे, 1 से अधिक बच्चे होंगे तो आपको सरकारी सुविधाओं से महरूम कर दिया जाएगा, आपको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। आज चाइना का वो जो माओवादी मॉडल है जिसके अंदर ये कहा गया कि जो 1 बच्चे रहे, 2 बच्चे रहे उनको सरकारी सेवा में प्राथमिकता दो, उनको जो सुविधा प्राप्त है उस सुविधा से उनको महरूम करो। हिंदुस्तान का मैं पूरे डाटा के साथ आपको भेज भी दूंगा, सारे प्रेस मीडिया के साथियों को डाटा इंडेक्स भी मैं भेज दूंगा। अब राइट टू एजुकेशन किसी की कृपा से है क्या? भाई राइट टू एजुकेशन जो शिक्षा का अधिकार मिला है लंबे जद्दोजहद के बाद, समाज के जो दलित, समाज के अल्पसंख्यक तबके, समाज के कमजोर तबके के जो लोग हैं, शिक्षा का अधिकार का उनको कानून का हक मिला। तो ऐसी स्थिति में यह कहना कि भाई जिनको 1 या 2 से ज्यादा बच्चे निजी विद्यालय के अंदर में उनको प्राथमिकता दीजिए। तो जो हेल्थ मैंने वेल्थ इंडेक्स में दिया है संपत्ति का, वो हमारा आंकड़ा नहीं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। और वो आंकड़े किस बात को बताते हैं कि समाज के जो दलित, जो मरहूम तबका है, जो गरीब तबका है, वह समाज का विपन्न तबका है। क्या समाज का वो दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति अथवा जो इस मुस्लिम लोग हैं, क्या उनको इस सुविधा से वंचित कर दिया जाए? ये तो अपरोक्ष रूप से शिक्षा के अधिकार पर को छीनने की कोशिश हो गई है। दूसरा यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 2013 में, और हमको बताते ये आत्मानुभूति होती है कि माननीय नीतीश कुमार जी एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने इस बिहार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित किया और ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और शहरी क्षेत्रों में 50% यहां का आंकड़ा और बिहार में बढ़ गया। और हम लोगों ने उन लोगों को
जो उनको जीने का अधिकार काम से संविधान के तहत उनको राशन की सुविधा हम लोगों ने प्रदान किया, वो कौन लोग हैं? वो समाज के गरीब तबके के लोग हैं और न उसमें जाति देखा है न धर्म देखा हमने। हमारे मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने समाज के सारे तबकों को उस सुविधा से आच्छादित किया गया। और यह कहा जा रहा है कि अगर किन्हीं को दो से अधिक बच्चे हैं तो उनको भी समान वही सुविधा मिलेगी, दूसरे को भी वही सुविधा मिलेगी। जन्म लेना गुनाह है किसी का क्या? इस देश के संविधान में उसको यह अधिकार प्राप्त है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम हो या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अगर आच्छादित है तो उसका वो संवैधानिक हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उसका है। उस राइट से कोई डिगाल करने की कोशिश करेगा ये कहीं से न्याय? अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।